हाय फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन अच्छा स्केल्पिंग इंट्राडे का स्केल्पिंग इंडिकेटर का सेटिंग बताऊंगा, वो भी आप लोग का जीरोधे का जो काइट का जो प्लेटफॉर्म है उसी में आप लोग इसके यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। प्लीज़ अगर कोई मेरा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आज मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर सेटिंग किया हुआ है जीरोधा पे, जो कि टाइम फ्रेम है ओनली और ओनली 1 मिनट। टाइम फ्रेम है, देखिए यहाँ ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये जो इंडिकेटर है ये ज़बरदस्त वर्क करता है ये इंट्राडे में और सिर्फ स्केल्पिंग के लिए। जैसे मान लो हम लोग निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं तो कोई कोई बंदा ऐसा रहता है कि दिन भर मॉनिटर के सामने बैठ नहीं सकता है, तो उनके लिए ये बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, जो कि 9-15 से आराम से 10-10.5 बजे तक रहेगा तो उसमें से वो बहुत सारा मिनिमम 1000 से ले कर 4000-5000 रुपया तक वो प्रॉफिट कमा सकता है इस स्ट्रेटेजी को यूज करके। कोई भी बंदा इसको यूज कर सकता है, इसमें SL भी आप लोग को पहले से पता चल जाएगा और टारगेट के लिए भी आप लोग को पता चल जाएगा, वो सब कुछ इसमें सेटिंग किया हुआ है। देखिए जैसे ये इंडिकेटर जैसे सेल दिया तो ये मैंने एक 17250 पुट का लगाया हुआ है, तो आप लोग को क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि निफ्टी अगर 17250 चल रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ, मान लीजिए 17250 स्पॉट प्राइस चल रहा है, तो आप लोग को क्या करना है, 17250 का पुट और 17250 का कॉल दोनों को चार्ट आप लोग को अपने जीरोधा काइट में लगा लेना है ना। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, दोनों तरफ से लगा लेना है, एक तरफ है पुट का और एक तरफ कॉल का लगा लेना है चार्ट। और जैसे ही ऐसा ये सेल देगा, देखिए फ्रेंड्स जैसे ही सेल देगा आप लोग को क्या करना है, ये अगर पुट साइड का अगर सेल दिया होगा तो आप लोग को क्या होगा, कॉल साइड आप लोग को बाय देगा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ कुछ नहीं करना है, ओनली और ओनली ओनली ऑप्शन बायर हैं। आप चाहे निफ्टी ऑप्शन में कीजिएगा या तो फिर बैंक निफ्टी ऑप्शन में कीजिएगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है, ऑप्शन बायर है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरीके से सुनिएगा और इसका सेटिंग भी मैं आप लोग को डिटेल्स में बता दूंगा, जो कि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। जो जितना भी मेरा फ्रेंड लोग हैं जो नया नया इंट्राडे ट्रेडर हैं, जो बहुत पैसा लूज कर रहे हैं, मनी लूज कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करेगा, वर्क कर रहा है और वर्क भी करेगा। इसका SL जो भी होगा ना बहुत छोटा सा रहेगा और टारगेट के लिए आप लोग को वेट करना है। तो देखिए मैंने बोला कि पहले आप लोग को 17250 अगर चल रहा है स्पॉट प्राइस निफ्टी का, तो 17250 का पुट एक साइड लगा लेना है और एक साइड 17250 का कॉल एक साइड लगा लेना है। और जैसे ही बाय का सिग्नल बनेगा हम लोग को बाय ही करना है, चाहे पुट हो चाहे कॉल हो। तो देखिए यहाँ अगर मान लीजिए ये 17250 का पुट है, यहाँ अगर सेल दे दिया तो हम लोग यहाँ तो सेल नहीं करेंगे, हम कॉल को देखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ ये कॉल साइड नहीं है, बाय दे दिया, तो हम लोग को क्या करना है, जैसे ही ये सिग्नल जनरेट होगा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है फ्रेंड्स, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे यूज कीजिएगा। मैंने इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरा रिकॉर्डिंग थोड़ा उसको कट कर दिया है, तो कोई बात नहीं, 1 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ जैसे ही मान लीजिए क्या ये बाय का सिग्नल दे दिया, आप लोग को क्या करना है, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना है और यहाँ नीचे जो कैंडल का नीचे जो बाय दिया है वहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना है। और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा आप लोग को यहाँ तुरंत मार्केट प्राइस से एंट्री कर लेना है, और इसका SL ये नीचे जो रहेगा प्राइस वही रहेगा और कुछ नहीं। उसके बाद आप लोग को वेट करना है सेल सिग्नल तक, या तो फिर अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना है। यहाँ तो आप लोग को पता चल गया कि एंट्री कहाँ है और SL कहाँ है, पूरा सिंपल सा है।
फिर मान लीजिए उसके बाद सेल दे दिया, आप लोग को यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ जैसे भी सेल बनेगा आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को ओनली और ओनली बाय ट्रेड ही ढूंढना है, ओनली और ओनली बाय ट्रेड ही ढूंढना है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन में काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी बाय का सिग्नल दिया, तो वहाँ पे आप लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लोगे, उसके हाई को और लो को मार्क कर दोगे। जैसे ही यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लोगे, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, आप लोग को यहाँ तुरंत एंट्री करना है, और यहाँ आप लोग का ये नीचे वाला जो प्राइस रहेगा वही आप लोग का एसएल रहेगा, और मार्केट आप लोग को यहाँ प्रॉफिट दे के ही जाएगा। तो ऐसा इसका कम है और कुछ नहीं है, मैं आप लोग को डिटेल्स फिर दिखा रहा हूँ। चलिए फिर अभी हम लोग इसको देखते हैं। देखिए यही वाला है जो मैंने अभी बता रहा था आप लोग को, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते और यहाँ नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते, जैसे इसको ब्रेक करेगा तुरंत एंट्री करना है। मान लीजिए ये 70 रुपया है, 80 रुपया है, जितना भी है, मैं इसका सेटिंग डिटेल्स में बताऊँगा, अभी फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो फुल देखते नहीं हो, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है कि आप लोग मेरा वीडियो को फुल देखिए, समझिए, उसके बाद इसको मार्केट लाइव मार्केट पे यूटिलाइज कीजिएगा। तो जैसे ही इसको मार्क कर दोगे, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्टर खींच लोगे, इसका हाई को और इसका लो को, और उसके बाद जैसे ही ये बाय का सिग्नल जनरेट होगा, और उसके बाद इसको जैसे ब्रेक करेगा, यहाँ पर तुरंत एंट्री लेना है, ये ऑप्शन में है देखिए, और यहाँ आप लोग का नीचे वाला जो रहेगा यही आपका एसएल होगा। उसका देखिए मार्केट यहाँ से कहाँ तक चला गया, आप लोग यहाँ 10 से 40 50 पॉइंट का आप लोग का इजीली मिल जाएगा। एसएल तो बहुत छोटा ही रहेगा, यहाँ पर भी आप लोग को पहले से ही पता चल जाएगा कि आप लोग का एसएल कहाँ पे है, और आप लोग का टारगेट तो आप अपने हिसाब से बुक कीजिएगा। उसके बाद फिर सेल सिग्नल दिया, हम लोग को क्या करना है, सेल सिग्नल जितना भी बनेगा उसको हम लोग को अवॉइड करना है, इसको हम लोग को नहीं देखना है, बिल्कुल ही नहीं देखना है। और इसका टाइम फ्रेम है ओनली और ओनली 1 मिनट, ओनली और ओनली 1 मिनट, 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट टाइम फ्रेम ही रखना है, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे जो भी हो, हम लोग को ऑप्शन में ही काम करना है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर हैं। तो आप लोग इसको यूज कीजिएगा, और अभी मैं आप लोग को यह सेटिंग बता रहा हूँ, है ना फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोग को ये डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को तो सुपर ट्रेंड मालूम है, सुपर ट्रेंड लगा लेना है। क्या करना है सुपर ट्रेंड में, थोड़ा सा देखिए, यहाँ सुपर ट्रेंड में जाना है, आप लोगों को तो पता है कैसा यूज करते हैं सुपर ट्रेंड, जो पीरियड है उसको आप लोग 15 करना है, 15, और उसके मल्टीप्लायर जो लिखा है वहाँ आप लोग को 2 करना है, उसके बाद इसको डन कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो फिर चलिए फिर से मैं आप लोगों को ये एक बार बता रहा हूँ, ये देखिए इसका कैंडल है, यहाँ देखिए ये हाई था ये 71.92 यानी कि 72 रुपया, और एसएल इसका था कितना 68, ओनली 4 रुपया का आप लोग का एसएल था। देखिए फ्रेंड्स, ओनली 4 रुपया का एसएल था, और यहाँ से आप लोग को चल गया ये कितना 90 रुपीज तक। देखिए फ्रेंड्स ये कैसा है, आप लोग को कैसा ये दे रहा है, ये आप लोग को कैसा दे रहा है, इतना अच्छा आप लोग को किसी ने भी आप अभी तक नहीं बताया होगा शायद। तो देखिए यहाँ आप लोग को फिर मैं एक तो बता रहा हूँ, यहाँ पे बाय दिया तो आप लोग यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं, इसका ऊपर कितना था 62.94 यानी कि 63, और ये नीचे आप लोग को एसएल को लगाना था 59, यहाँ पर भी आप लोग को 3-4 रुपया का एसएल था, और देखिए फ्रेंड्स मार्केट कहाँ तक बूम हो गया, यही है जैकपॉट स्ट्रेटेजी स्कैल्पिंग के लिए। और इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, 9:15 से 10-10:30 बजे के अंदर आप लोग का मार्केट खत्म हो जाएगा, या दिन भर भी आप लोग बैठ सकते हैं जहाँ पे भी ये बनेगा, ये लगभग 10:30-11 बजे तक ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। उसके बाद जो होता है ना वो थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इसलिए मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है, और क्या बोलूँगा इसका जो साइडवेज रहता है मार्केट ऊपर नीचे होता है, उतना मोमेंटम नहीं देता है। तो इसको जो भी यूज करेगा सुबह 9:15 से 10:50 या तो 11 बजे तक इसके अंदर ही आप लोग इसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी मैंने पहले से इसको देख चुका हूँ, इसमें ट्रेड भी कर चुका हूँ, और ये बहुत ही अच्छा, देखिए देखिए दोस्तों 11 बजे के बाद देखिए ये कैसा हो जाता है, ये लड़े बड़े हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, वर्क करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, ये करेगा, लेकिन थोड़ा इधर उधर हो जाता है।
तो मैं इससे सजेशन करूंगा कि जो बंदा कोई सर्विस कर रहा है या जो कोई भी कर रहा है टाइम नहीं दे पाएगा फुल टाइम, तो आप लोग को क्या करना है, जस्ट और जस्ट 9:15 से आप लोग को 10:30-11 बजे तक ही मॉनिटर में बैठना पड़ेगा और कुछ नहीं फ्रेंड्स। तो चलिए, ये मेरा चैनल आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। और फिर से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जहाँ पे सेल दिया होगा उसका हाई के ऊपर मार्क कर दीजिएगा, सॉरी बाय दिया होगा, मैं तो सॉरी दोस्तों, जहाँ बाय दिया होगा आप लोग क्या करेंगे, उसका नीचे एक ठो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना और इसका हाई को एक ठो हॉरिजॉन्टल मार्क कर देना है और उसके बाद आप लोग को एंट्री लेना है और नीचे वाला आप लोग का सेल रहेगा और मार्केट आप लोग को बहुत पॉइंट देगा फ्रेंड्स। आप लोग को अगर मेरा ये चैनल अगर आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, मोटिवेट हो रहे हो, नए नए ट्रेडर हो, तो प्लीज़ यार मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो कोई भी नया नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग फुल वीडियो देखिएगा और क्या बोलें फ्रेंड्स, आप लोग ही मेरे फ्रेंड्स हो, सब कुछ हो, आप पैसा कमाओ यार दोस्तों अच्छे से ही। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।